चलो आज हम तुम्हें लिए चलते हैं पिछली सदी की दुनिया में। वो दौर था पिछली सदी के आखिरी दशक का, जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा कद रखते थे। वो तत्कालीन मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। इसके साथ ही उनके सामने 21 साल की एक ऐसी लड़की आई जिसके आगे मुलायम सिंह अपने लिए खतरा महसूस करने लगे। इसके बाद जो कांड हुआ उसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस गेस्ट हाउस कांड की जिसके बाद मायावती ने साड़ी पहनना बंद कर दिया और सूट पहनने लगी। आप बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। सियासत की बड़ी कुत्ती चीज है जिसके चक्कर में लोग कोई भी कांड करने से पीछे नहीं हटते। अपने विरोधी को हर कदम पर डिफीट कर जीतने की कोशिश करते हैं, फिर भले ही उसे हराने का तरीका लोकतंत्र वाला हो या फिर डराने वाला या फिर सीधे सीधे दुनिया से ऊपर उठाने वाला। सियासत में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता कैसे हासिल हुई। उस समय हिंदुत्व की लहर जोर पकड़ रही थी। सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। पर इस लहर में तूफान उस समय आया जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। ऐसा लग रहा था कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम विरोधियों को जबरदस्त पटकनी देगी। साल 1992 में जनता दल से अलग होकर मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी का गठन किया। साल 1993 में यूपी विधानसभा के चुनाव थे। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो काशीराम का भी जोर था। समाज के दलित वोट बैंक पर उनकी अच्छी पकड़ थी, लेकिन भाजपा के आगे मुलायम सिंह और काशीराम दोनों में से किसी में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो यूपी की सत्ता को अकेले हासिल कर पाते। इसीलिए मुलायम सिंह और काशीराम ने आपस में समझौता कर लिया और मिलकर चुनाव लड़ने लगे। हालांकि मुलायम सिंह और काशीराम का ये जोड़ अपने आप में बेमेल था, लेकिन ये दोनों जब मिल गए तो इनका कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही बूस्ट हो गया। जहां भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के नारे के साथ आगे बढ़ रही थी, वहीं आने वाले उपचुनाव में नारा उछाला गया कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 256 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें से समाजवादी पार्टी ने 109 सीटें जीती। बहुजन समाज पार्टी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसमें से 67 सीटें जीती। इसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन वाली सरकार बने। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के बीच रिश्ते कड़वाहट से भरते चले गए। साल 1995 आते आते मुलायम सिंह को यह लगने लगा कि यदि बहुजन समाज पार्टी ने अचानक समर्थन वापस ले लिया तो उनकी सरकार गिर जाएगी। ये घटना 23 मई 1995 की है। मुलायम सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो काशीराम से मिलने के लिए गए, लेकिन काशीराम ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। रात होते होते तक काशीराम ने भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेता लालजी टंडन को फोन किया। बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन पर चर्चा हुई। ये वही समय था जब हॉस्पिटलाइज्ड काशीराम की तबीयत बहुत खराब थी। उनकी देखरेख में उनके साथ राज्यसभा सांसद जयंत मल्होत्रा और मायावती भी थी। मायावती को उन्होंने अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाल पाओगी। काशीराम के पास उस समय तक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाला पत्र आ चुका था। उन्होंने मायावती को वो पत्र दिखाया और इस प्रकार मायावती के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ। 1 जून 1995 को मायावती ने राज्यपाल को जाकर भारतीय जनता पार्टी का पत्र दिखाया। ऑफिशियली उन्होंने समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बाद मायावती ने 2 जून 1995 को लखनऊ के एक राज्य गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ एक मीटिंग रखी। इस बीच एक और घटना घटी। बहुजन समाज पार्टी के विधायक राज बहादुर की लीडरशिप में 12 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन इससे भी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बच पा रही थी, क्योंकि दल बदल कानून के तहत बहुजन समाजवादी पार्टी के कम से कम एक तिहाई विधायकों का टूटना जरूरी था। दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। बहुजन समाज पार्टी के समर्थन वापसी की सूचना मुलायम सिंह को भी मिल चुकी थी और वो अपना आपा खो बैठे थे। उन्होंने अपने समर्थकों को ही आदेश दे दिया कि गेस्ट हाउस में चल रही मीटिंग में बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को डरा धमका कर प्यार से मना कर किसी भी तरीके से तोड़ने की कोशिश की जाए। मुलायम सिंह यादव के समर्थन के बाहुबलियों की एक जबरदस्त भीड़ लेकर गेस्ट हाउस में घुस गए। उस समय मायावती गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम में
अपने विधायकों के साथ मीटिंग में बिजी थी। गेस्ट हाउस का गेट भीतर से बंद कर दिया गया। इस सिचुएशन में सपा समर्थक बाहर से गेट पीटने लगे और मायावती को अब्यूज करने लगे। मायावती को जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित किया गया। शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों के बीच जबरदस्त हिंसा हुई और कई लोग घायल हुए। बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने इस बात का आरोप लगाया कि उनके साथ जबरदस्ती की गई। गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम से कुछ एमएलए को किडनैप करने की कोशिश की गई और इस पूरे हमले के दौरान मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को ढीला रवैया अपनाने का आदेश दिया। जो लोग वहां मौजूद थे उनका कहना था कि इस पूरे हंगामे के समय वहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे, लेकिन वो सिगरेट का कश लगा रहे थे। इस दौरान मायावती कमरे के भीतर ही बंद रही। शाम होते होते जिलाधिकारी राजीव खेर पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचे और लोगों को वहां से दूर कर दिया। इसके साथ ही राज्यपाल ने एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भेजी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर जब लाठीचार्ज हुआ तब वो वहां से हटे। मायावती जब इस बात को लेकर निश्चिंत हो गई कि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है तब जाकर वो कमरे से बाहर आई। इसी बीच रात के 11 बजे ही मुलायम सिंह ने वहां के तत्कालीन कलेक्टर राजीव खेर का ट्रांसफर कर दिया। जिस दौरान ये पूरा घटनाक्रम घटित हो रहा था, समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने गेस्ट हाउस की बिजली और पानी का कनेक्शन तक कट कर दिया। ये जब बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो काशीराम को पता लगा तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि यह मायावती के लिए परीक्षा की घड़ी है। इसके ठीक अगले दिन 3 जून 1995 को मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाई। बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन मिला और उसके पास 282 विधायकों का समर्थन था। मायावती मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी थी और मुलायम सिंह सत्ता से आउट हो चुके थे, लेकिन गेस्ट हाउस कांड की टीस मायावती के दिल में रही। इस कांड के बाद भी वो कई रैलियों में इस घटना का जिक्र जरूर करती थी, लेकिन इस पूरे कांड की कहानी अधूरी है यदि हम इस दौरान एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का जिक्र ना करें तो। इस नेता को उस समय भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर फेस के तौर पर देखा जा रहा था। इनका नाम था ब्रह्मदत्त द्विवेदी। मायावती इन्हें अपना भाई मानती थी। जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई तो मायावती फूट फूट कर रोई। ब्रह्मदत्त द्विवेदी वकालत करते थे। वो फर्रुखाबाद के अमृतपुर गांव के रहने वाले थे। वो कल्याण सिंह की सरकार में ऊर्जा विभाग के राज्य और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे। राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी नेताओं में उनकी गिनती होती थी। वो अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी थे और उत्तर प्रदेश में भाजपा का ब्राह्मण चेहरा। उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी जिन लोगों को अखर रही थी उन्होंने ही उनकी जिंदगी छीन ली। साल 1997 में फरवरी महीने की बसंत पंचमी थी। वो अपने एक दोस्त रामजी अग्रवाल के भतीजे के तिलक समारोह में हिस्सा लेकर वापस जा रहे थे। वो अपनी कार में बैठने ही जा रहे थे कि उन पर गोलियां चलने लगी। देखने वालों का कहना था कि गैंगस्टर संजीव जीवा के साथ विजय सिंह गोलियां चला रहे थे। इस गोलाबारी में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के साथ उनके सिक्योरिटी पर्सन ब्रिज किशोर तिवारी की भी मौत हो गई। गेस्ट हाउस कांड के दौरान ब्रह्मदत्त द्विवेदी अपने समर्थकों के साथ गेस्ट हाउस पहुंचे और मायावती को सुरक्षित निकाल कर ले गए। उन्होंने मायावती और काशीराम पर हमला करने वालों को भी सबक सिखाया। कहा तो ये भी जाता है कि समाजवादी पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को किडनैप करके मुख्यमंत्री के सामने ले जाकर समर्थन दिलवाने में सफल रहे। इस दौरान ब्रह्मदत्त द्विवेदी अकेले ही गेस्ट हाउस पहुंचे और समाजवादी पार्टी के उग्र समर्थकों से लड़ गए। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा। मायावती ने बहुजन समाज पार्टी से कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया और उनकी पत्नी के लिए वोट मांगे। मायावती ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, जिसका टाइटल मेरा संघर्ष जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट का सफरनामा, जिसमें उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है। इस बुक में उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का हवाला देते हुए मुलायम सिंह यादव को आपराधिक चरित्र का व्यक्तित्व बताया और कहा कि उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए गेस्ट हाउस में मुझे मरवाने और विधायकों को किडनैप करवाने का प्रयास किया। इस घटना के दौरान जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने तो यहां तक कहा कि उग्र सपा समर्थकों के हाथ मायावती की साड़ी तक पहुंचने लगे थे। यही वजह है कि मायावती ने इस घटना के बाद कभी साड़ी नहीं पहनी। हालांकि इस घटना का जिक्र कभी मायावती ने नहीं किया, न ही किताब में इसका उल्लेख है। इस कांड की जांच रमेश चंद्र कमेटी के द्वारा की गई, जिसे 89 पन्ने की जांच रिपोर्ट पेश की गई और मुलायम सिंह को इस घटना का मुख्य आरोपी बनाया गया। जांच रिपोर्ट में यह कहा गया कि इस पूरे कांड की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी और अधिकारियों का लखनऊ ट्रांसफर भी किया जा चुका था। उस समय की उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस कांड से 3 कैरेक्टर पब्लिक के सामने आए, जिसमें मायावती विक्टिम थी।
मुलायम सिंह को एक्यूज बनाया गया जबकि ब्रह्मदत्त द्विवेदी बचाने वाले बनकर सामने आए। तो आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।